हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भावना। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइस, आज जो मेरा टॉपिक है वो कोई भी मेकअप या ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है। आज जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ या मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एंड वो जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ वो है न्यू मदर्स के लिए, मतलब हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। मतलब आप अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एंड उसकी क्वालिटी को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे उसे अच्छा बना सकते हैं। सो गाइज, जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंड मेरे रिलेशन में मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया था एंड आई लव्ड इट। मतलब जिस मतलब मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो मैंने सोचा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। एंड गाइज, जो भी चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल होती है एंड आई होप कि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सो मैंने सोचा कि मैं आपको उससे शेयर करती हूँ एंड आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। हेल्पफुल लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या है जो जिसकी मैं बात कर रही थी। सो गाइज, क्या होता है कि हम जो मदर्स होती हैं, गाइज मेरी भी 8 मंथ की मेरी बेबी है जिसका नाम अनाया है एंड जो बहुत ही क्यूट है। सो गाइज, स्टार्टिंग के मतलब 3 मंथ्स थे उस टाइम तक मुझे बहुत ही अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हो रहा था, अनाया का अच्छे से पेट भर रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। बट 3 मंथ के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ही कम हो गया है। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। बट गाइज, वी ऑल नो कि जो हम ब्रेस्ट बेबीज़ के लिए जो बेस्ट सोर्स होता है न्यूट्रिशन का वो ब्रेस्ट मिल्क ही होता है एंड हमें 6 मंथ तक उनको ब्रेस्ट मिल्क देना ही है। मतलब अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जाके सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एंड उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो गाइज, उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मतलब मेरी बेबी का उससे पेट नहीं भर रहा एंड मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि इवन मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेबी को जब तक मुझे अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क हो मैं अपनी बेबीज को उसे प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेबी अच्छे से हेल्दी हो, फिट हो एंड उसकी ग्रोथ सही से हो। एंड आप सब जानते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेबीज़ के लिए कितना अच्छा होता है, मतलब उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है बेबीज़ के लिए। एंड 6 मंथ तक तो आपको अपने बेबीज़ को अपना ही मिल्क देना है, क्योंकि 6 मंथ तक हम उनको सॉलिड तो दे नहीं सकते हैं, हम उनको सिर्फ अपना मिल्क देते हैं। एंड आपको पता होगा कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 6 मंथ से पहले हम अपने बेबीज़ को पानी नहीं पिला सकते हैं। वो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, मतलब बेबीज़ जो होते हैं वो बिना पानी के कैसे रह जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो आपको अपने मिल्क की जो सप्लाई है उसे इंक्रीज करने के लिए आपको लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए, दिन में पीजिए, मतलब ठंडा पीजिए, गर्म पीजिए, गुनगुना पीजिए, कैसा भी पीजिए, बट अब जितना हो सके उतना पानी पीजिए, जिससे क्योंकि 70 से 80% जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें वो वाटर ही होता है, जिससे हमारे बेबीज़ को इतनी नीड नहीं होती है वाटर की। हाँ, जब आप सॉलिड अपने बेबीज़ को देने लग जाते हैं तो उसके बाद आप उसे वाटर दे सकते हैं। एंड गाइस, जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितना स्ट्रेस लेंगे आपका जो मिल्क होता है ब्रेस्ट मिल्क वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेस्ट मिल्क पे। एंड जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि आपने जीरा तो सुना ही होगा, जीरा सब डालते हैं। सो गाइस, मदर्स का इस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जीरा, क्योंकि जो जीरा आप जीरा ऐसे ही खा सकते हैं। अब जीरा का आप जो रोस्टेड क्यूमिन जो आती है आप उसे जीरा, मतलब जो रोस्टेड भुना हुआ जीरा होता है उसका पाउडर मिलता है मार्केट में, जो कि मतलब खाने में भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता है। आप उसको अपने उस डाइट पे मतलब वो कर लीजिए, उसे इंक्लूड कीजिए आप, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो रोस्टेड वाला जीरा है या आप जीरे को मिक्सी में क्रश करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए एंड जब आप गर्म दूध में उस जीरे को पाउडर को डाल के उसको मिक्स करके आप उसको पी लीजिए एंड इंस्टेंटली आपका जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होगा एंड आप अपने बेबीज़ को फीड करा सकते हैं अच्छे से। सो गाइज, बेबीज़ को जो होता है वो बहुत ही अच्छे से अगर हम अपना ही मिल्क प्रोवाइड करते हैं बेबीज़ को 6 मंथ तक, तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी हेल्थ होती है, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ती है एंड उनको उनकी उनकी बॉडी में एंटीजन्स जो होते हैं वो
अच्छे से बढ़ते हैं एंड उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बेटर होती है. मतलब वो मतलब जो भी अगर हम जो लोग अपने बेबीज को मिल्क किसी भी रीजन से प्रोवाइड नहीं कर सकते एंड कितने लोग तो इस वजह से प्रोवाइड नहीं करते कि यार हमारा फिगर खराब हो जाएगा, मतलब हम नहीं पिला रहे, हमें मतलब अजीब लग रहा है ये वो. पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मतलब अपने बेबीज को मिल्क प्रोवाइड कराना ही चाहिए. फिगर तो यार बाद में भी बना लेंगे हम, लेकिन और वैसे भी मेन ये होता है कि आप जितना अपने बेबीज को फीड कराएंगे उतना ही आपका जो वेट है वो लॉस होगा, क्योंकि लूज होगा, क्योंकि मेरा भी बहुत वेट गेन हो गया था डिलीवरी के बाद, बिकॉज मेरी सिजेरियन हुआ था हुई थी अनाया, तो मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया था. बट मैंने अपने बेबी बेबी को मतलब चाहे मैंने पाउडर लिया, डॉक्टर से सजेस्ट किया, या मैंने इधर उधर से सर्च किया या जो भी, बट मैंने अपना ही मिल्क दिया है बेबी को. हाँ कभी कभी मैं फॉर्मूला मिल्क दे देती थी, बट उसने बिल्कुल मतलब उसे पिया ही नहीं, वो पीती ही नहीं थी उसे, सो मैं उसे अपना ही देती हूँ. एंड गाइस अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम बेबीज को मतलब जो हमारी दादी होती थी, जो पुराने लोग होते थे, वो बेबी को मतलब यू नो काउ मिल्क दे देते हैं, गाय का मिल्क, बट हमें बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी अपने बेबी को 1 ईयर से पहले हमें उसे गाय का दूध नहीं देना है, बिकॉज गाय का जो दूध होता है वो बहुत हैवी हो जाता है बच्चे के लिए. उसमें जो मलाई निकलती है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, जो बच्चे को इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे का इतना छोटू सा स्टमक होता है, टम्मी में वो इतना ज़्यादा मतलब उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो उस चीज़ को मतलब यू नो वो वॉमिट कर देते हैं या वो दही जैसा मतलब कुछ निकाल देते हैं अपने मुंह से, वो उसे नहीं इतनी जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो हमें गाय का दूध तो बिल्कुल भी नहीं देना है 1 साल से पहले. हमें अगर आपको बिल्कुल भी यू नो आपके मिल्क प्रोवाइड नहीं हो रहा है, आप अपने मिल्क को नहीं दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी मतलब यू नो डिप्रेस मत होइए, आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए. या मैं आपको आज एक चीज़ बताऊंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मुझे पता चला था या मुझे किसी ने बताया था, मेरे रिलेशन में मेरी ननद है वो, उन्होंने मुझे बताया एंड मतलब मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनके लिए कि मुझे इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले. सो मैंने सोचा कि मैं आपसे उसे शेयर करती हूँ. सो गाइज वो ये है लैक्टोनिक ग्रैन्यूल्स का पाउडर. ये मतलब 100% नेचुरल है एंड ये फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए है स्पेशली, मतलब उन्हीं के लिए है. सो गाइस दिस इज ऑसम. मतलब मुझे इतना ज्यादा मतलब मुझे इससे कह सकते हैं ना मतलब कि इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलते हैं. मतलब ये वैसा वाला प्रोडक्ट है, मतलब ये पाउडर है बहुत ही ज्यादा अच्छा है. मतलब इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें जो मेन है इंग्रेडिएंट्स वो ये हैं कि शतावरी है. शतावरी आप सबको पता है कि हमारी जो मिल्क होता है उसे इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. इसमें पालक है जो मतलब आप सबको पता ही है एंड इसमें वाइट जीरा है, जो मैंने आपको बताया था कि जीरा बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है इस टाइम पे. मतलब आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, आप उसे हर सब्जी में फ्राई करके डालिए, उसे पाउडर डालिए, मतलब ऐसे खा लीजिए, मिल्क के साथ खाइए, बट आप उसे मतलब अपनी डाइट पे शामिल कीजिए ही, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है. एंड गाइस जो इसका प्राइस है वो मतलब इतना बिल्कुल कॉस्टली भी नहीं है, इसका प्राइस है 288. बट गाइस इसके जो प्राइस है ना वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो आपको ये 250 से लेके 290 तक ऐसे में मिल जाएगा. एंड ये इजीली आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा एंड शायद ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाउडर है. मतलब आई लव इट यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिले. एंड ऐसा नहीं है कि आप इसको हमेशा लीजिए, जब भी आपको लगता है कि आपका मिल्क जो है वो कम हो गया है, उसकी जो आपका मिल्क आपके बेबी का उससे पेट नहीं भर रहा है, तो आप इसको दूध के साथ, इसमें आपको इवन इसमें आपको एक स्पून है, इसमें लिखा है कि आपको अपने दूध के साथ गर्म दूध में आपको 2 स्पूली मतलब उसमें डालने हैं, इनको मिक्स करके आपको उसे पी लेना है. इसका जो टेस्ट है ना मतलब दिस इज ऑसम. मतलब मुझे उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मैं तो ऐसे भी पी लेती हूँ. इवन मैंने अपनी चाय को भी रिप्लेस कर दिया था, मैंने अपनी टी को रिप्लेस कर दिया था, मैं इसे दिन में भी लेती थी एंड मैंने इसको 3 टाइम लेती हूँ मैं इसको, तो मुझे इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले. एंड आप सबको इसे ट्राई करना चाहिए. आपको अगर जो मिल्क अगर आपको ब्रेस्ट फीड बहुत ही कम होता है तो आप इसे ट्राई कीजिए एंड आपको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो गाइज ये था 100% नेचुरल है, आपको उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी नहीं. आप इसको लेके अपने डॉक्टर से भी सजेस्ट कर सकते हैं. सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो जो थी मेरे टॉपिक से बिल्कुल अलग. आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो जो न्यू मदर्स हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो.
सो गाइस आई होप कि आपको अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मतलब एंड गाइस अगर मुझे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे भी बेबीज़ के लिए इसमें आपके लिए और वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो आप मुझे उसका भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको इससे कैसे रिजल्ट मिले। सो गाइज टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।